हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हो जहाँ पे भी, और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूँ प्रतिभा, और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहाँ हम बात करते हैं मेकअप, सिंगर, फैशन के बारे में एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे। सो गाइस, आज है गेट रेडी विद मी फॉर माय बर्थडे। आप भी मेरे साथ रेडी हो जाओ, एकदम क्विक लुक करेंगे हम लोग। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फेस को क्लीन कर लिया है। फेस को क्लीन करने के बाद आपको लगाना है टोनर। ये ड्राई स्किन का टोनर है प्रो इफेक्ट्स का, करना है। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैंने लिया है मेक मोर का मॉइस्चराइजर, और ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। आप लोग अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। आप में से कौन कौन है जो क्लास करना चाहता है बट अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से गाइज, नेक्स्ट वीक में क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो प्रतिभा सालियन ब्यूटी 27@gmail.com पे आपको ईमेल करना है। ओके, तो प्राइमर के लिए मैं ले रही हूँ प्रो इफेक्ट्स का प्राइमर, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है और मैं थोड़ा सा ड्यूई मेकअप चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये वाला प्राइमर लिया है। ये बहुत ही अच्छा है और एकदम मस्त ड्यूई इफेक्ट देता है अपने फेस पे, और मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। आप लोग PSC का भी प्राइमर यूज कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से मेकअप को वाटर प्रूफ और ऐसे ही आपको इफेक्ट देगा। यूरोप गर्ल में भी ऐसा एक प्राइमर है, वो भी आप लोग यूज कर सकते हो। ये थोड़ा सा ऐसे ऑयल सीरम बेस्ड प्राइमर है। तो मुझे एक बात बोलो, आप लोग क्या करते हैं अपने बर्थडे पे? तो मेरा ऐसा है कि मैं, किसी का भी बर्थडे हो मेरे घर पे, मेरा, मेरे बेटे का या मेरे हस्बैंड का, किसी का भी बर्थडे हो, हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मंदिर जाना ही है। तो आप लोग क्या करते हो आपके बर्थडे के टाइम? कॉमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताना कि आप लोग अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो। टेम्पल जाते हो या घर में सेलिब्रेट करते हो? स्पेशल ऐसा क्या रिचुअल है जो आपको करना ही है? मैंने अभी प्राइमर भी लगा लिया है। तो प्राइमर लगाने के बाद हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। मुझे बहुत ही हैवी करेक्शन नहीं चाहिए। ऑरेंज करेक्टर, ये वाला येलो करेक्टर। तो अब ये लिया है मैंने अपना प्रो इफेक्ट्स का ब्रश लिया है 0021। तो मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि मैम सेलिब्रिटी लुक में कैसे होता है मेकअप। अगर आपको सेलिब्रिटी लुक चाहिए तो जो मैं अभी ऑरेंज लगा रही हूँ राइट, तो आप लोग क्या करना, एक डार्क शेड का कंसीलर लगाना और फिर डायरेक्टली उसके ऊपर फिर आप लोग अपने शेड का फाउंडेशन लगा के ऐसे आप लोग अपना बेस बना सकते हो। जितना बेस लाइट रहेगा उतना ही फाउंडेशन आप लोग कम यूज करोगे, उतना ही बेस आपका बहुत ही लाइट और जैसे सेलिब्रिटीज का होता है वैसे दिखेगा। बट मेरे को ऑरेंज से करेक्शन करना मतलब अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे से वो हाइड करता है अपने सब मार्क्स को। और अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऑरेंज यूज किया तो आपका बेस बहुत ही थिक बनेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। करेक्शन कर रहे हो और हुडा का फाउंडेशन यूज कर रहे हो, तो हुडा का जो फाउंडेशन है बहुत ज्यादा थिक है, बहुत हाई कवरेज फाउंडेशन है राइट। तो अगर इतना ज्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन अगर आप यूज कर रहे हो तो फिर बहुत ही ऑब्वियस है कि आप लोगों को वो वाला लुक नहीं मिलेगा। बट अगर आप लोगों को एकदम स्किन लाइक आपका बेस चाहिए तो आप लोगों को फाउंडेशन थोड़ा हाइट जो होते हैं ना वैसे फाउंडेशन यूज करने होंगे। तो मैं आपको आज बताती हूँ कौन सा फाउंडेशन मैं यूज करती हूँ जब मुझे ऐसे लुक चाहिए होता है। तो और हमेशा एक चीज याद रखो गाइस कि मेकअप जब भी हम लोग करते हैं तो कभी भी ऐसे नहीं होता है नो मेकअप मेकअप लुक, ऐसे कभी नहीं होता है। मेकअप किया है तो मेकअप दिखेगा ही, आपके स्किन के ऊपर एक लेयर आने ही वाला है। तो कभी भी ऐसे मत सोचो कि अरे सेलिब्रिटीज का तो दिखता ही नहीं है मेकअप, ऐसा नहीं है। उनका भी मेकअप अगर आप रियल देखोगे उनको तो उनके फेस पे भी आपको मेकअप दिखेगा। कैमरा में ऐसे दिखता है फिल्टर्स के साथ कि यू नो कुछ भी मेकअप नहीं किया है, बट ऐसे नहीं होता है, उनके भी फेस पे मेकअप दिखता ही है। आपके ओरिजिनल स्किन पे अगर कुछ भी आप लगाते हो एक लेयर आ गया है तो मेकअप तो दिखेगा राइट। बस इतना ही है कि फाउंडेशन आप लोग वाइजली सिलेक्ट करना, बहुत ही ज्यादा थिक फाउंडेशन मत यूज करो। जैसे शोपारेल हुआ, जैसे हुडा हुआ, ये सब बहुत ही थिक फाउंडेशन है, तो इससे आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आई होप क्लियर है आपको और समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने करेक्शन कर लिया है अच्छे से और सिर्फ थोड़ा सा मैं येलो भी लगा रही हूँ ताकि ये जो स्किन है उसके साथ ये मैच हो जाए। और फिर मुझे फाउंडेशन अगर मैं मीडियम कवरेज का भी लगाऊंगी तो भी चलेगा, क्योंकि मेरा करेक्शन अभी हाइड हो रहा है येलो से ही। मैं हमेशा ये एले गर्ल का ही करेक्टर ज्यादा यूज करती हूँ क्योंकि एक तो ये क्रीज नहीं होता है गाइस, अच्छा है, ये टेंशन नहीं रहता है ये यूज किया तो। ओके, तो अभी आप देख सकते हो करेक्शन एकदम अच्छे से हुआ है, नॉर्मल स्किन के जैसी मेरी दूसरी वाली स्किन भी लग रही है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे और फिर फाउंडेशन लगाएंगे। तो जैसे मैंने बोला आपको कि अगर आप लोगों को सेलिब्रिटी लुक चाहिए तो आप लोगों को फाउंडेशन जो है थोड़े से लाइट यूज करने होंगे। जैसे ये जॉर्जिया अर्मानी का फाउंडेशन है, ल्यूमिनस सिल्क फाउंडेशन है ये,
और ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। जॉर्जिया आर्मानी का फाउंडेशन लिया है, बट ये बहुत ज्यादा लाइट है मेरी स्किन के लिए, क्योंकि मुझे अपने स्किन टोन का फाउंडेशन नहीं मिला, वो सोल्ड आउट हो गया था, तो इसीलिए फिर मैंने ये वाला लिया है। ये शेड मैंने लिया है 6, ओके, मीडियम शेड है, ऑलिव 6 है, 6 मैंने ये लिया है, एलिस एकेडमी का फाउंडेशन लिया है, और ये मैं इसको इसके साथ अभी मिक्स कर रही हूँ। मेरा तो मन था सिर्फ मैं जॉर्जिया आर्मानी का ही फाउंडेशन यूज़ करूँ, बट क्या करूँ, अभी शेड नहीं मिला। वैसे भी मेरे स्किन टोन के लिए शेड मिलना थोड़ा मुश्किल ही है। ओके, ये लग रहा है स्किन के जैसे ही। तो अभी आप देखो गाइज, जब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ तो आपको लग रहा होगा राइट, एकदम स्किन के जैसे ही लग रहा है राइट। तो अगर आप लोगों को सेलिब्रिटी लुक चाहिए तो बस आपको फाउंडेशन जो आपके स्किन में एकदम मेल्ट हो रहा है ना, ऐसा फाउंडेशन आपको लगाना होगा। तो ऐसा जो फिनिश है ना, ये आपको हाई एंड फाउंडेशन में ही मिल सकता है गाइज, क्योंकि मैंने भी अभी तक इतने सारे फाउंडेशन यूज किया है, बट सीरियसली गाइज मुझे ऐसा फिनिश किसी में भी नहीं मिला। मतलब ये एकदम स्किन में बैठ रहा है, लग ही नहीं रहा है कि मतलब बिल्कुल भी थिकनेस नहीं ऐड कर रहा है स्किन में, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो अगर आप लोगों को सेलिब्रिटी लुक चाहिए तो आप लोगों को जॉर्जिया आर्मानी और ऐसे ऐसे फाउंडेशन यूज करने होंगे। आई एम सो सॉरी गाइज, मुझे पता है बहुत महंगा है ये, बट जब भी आपको लेना होगा तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने आज ये यूज किया है। मेरे बर्थडे के दिन मुझे कुछ अलग चाहिए था, क्योंकि मैं वही वही फाउंडेशन यूज करके एक्चुअली मुझे नया ट्राई करना था, तो इसलिए मैंने ये वाला खरीदा और मैंने आज फर्स्ट टाइम ये लगाया। सीरियसली आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बहुत ही अच्छा लगा। नेक पे जरूर लगाइए, क्योंकि कितना ही वो सेम दिखे नेक और आपका फेस, बट फिर भी जब भी फोटोज एंड ऑल निकालते हैं गाइस, तो नेक अलग से दिखता ही है, लाइट अलग से रिफ्लेक्ट करता है जहां पे मेकअप है, और लाइट अलग से रिफ्लेक्ट करता है जहां पे मेकअप नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों को लगाना ही है। इसका जो फिनिश है ना, सुपर्ब दिख रहा है। तो ऐसे ही आपको बस इसको अभी सेट करना है। 6 लिया है मैंने, तो अगर आप मेरे स्किन टोन की हो ना, तो आप लोग 6.25 लेना, ओके, वो परफेक्ट शेड होगा आपका। से फाउंडेशन तो ब्लेंड हो गया है, और मुझे एकदम आज नेचुरल कवरेज चाहिए था, बहुत ही सिंपल चाहिए, बहुत ज्यादा मेकअप नहीं चाहिए। और फिर मैं लगा रही हूँ ये कंसीलर है, मैक का कंसीलर इन शेड NC42, कंसीलर भी अपने ही स्किन टोन का लगा रही हूँ। ओके, गाइस कंसीलर हो गया, फाउंडेशन हो गया है, अभी हम थोड़ा सा कॉन्टोरिंग करेंगे, मेरा फेवरेट पार्ट। मैं ले रही हूँ ये वाला शेड, थोड़ा लाइट है। ब्लेंड ब्लेंड थोड़ा सा ब्लश लगाना चाहती हूँ, तो मुझे थोड़ा लिक्विड ब्लश लगाना है। थोड़ा सा फाउंडेशन लगा हुआ है, और जो भी कलर का आपको ब्लश चाहिए, रही हूँ ये वाला कलर ले रही हूँ, ये वाला, और थोड़ा सा उसमें रेडिश कलर मिक्स कर रही हूँ, ताकि वो थोड़ा अच्छा ग्लो दिखे मेरे फेस पे। तो देखो ये तीनों को मिक्स किया है, थोड़ा सा पिंकिश शेड मिल रहा है। थोड़ा सा एक ड्रॉप ऑयल मिक्स करती हूँ, तो अगर आपके पास आपकी ऑयली स्किन है तो प्लीज मत करना, ऑयल नहीं लगाना है आपको। ड्राई स्किन है तो ही आप लोग कर सकते हो, नॉर्मल स्किन है तो ही आप लोग ये ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा ऑयल ले रही हो और यहाँ पे ले रही हो, और इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर रही हूँ। मैंने लिया है ये मेरा ब्लेंडर, बहुत अच्छा शाइन दिखता है। हम लोग अभी जल्दी से अपना कंसीलर एंड ऑल सेट कर लेते हैं। तो मैंने हुडा का पाउडर लिया है, बट मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगी। ये पाउडर लीजिए, थोड़ा सा इसको पीछे से ये कर लीजिए, ताकि जो भी एक्स्ट्रा है वो निकल जाए और पफ में एकदम इवनली आ जाए आपका। और फिर कंसीलर को ब्लेंड सेट। कॉन्टोर के लिए या ब्रॉन्जिंग, जो भी आपको कलर लेना है, लाइट चाहिए तो लाइट, डार्क चाहिए तो डार्क, तो मैं दोनों को मिक्स कर रही हूँ, लाइट एंड डार्क। और यहाँ पे थोड़ा सा शेडिंग ऐड कर, पाउडर हो गया है, कॉन्टर हो गया है, थोड़ा सा ब्लश जो है उसको सेट कर लेंगे। तो सेट करने के लिए मैं नताशा डेनोना का ये जो कलर है, सेम कलर है, मैंने जो लगाया है वही कलर का ब्लश है ये, तो इसको ले रही हूँ। और हाइलाइटर लगाने से पहले हम लोग पहले स्प्रे लेंगे अपना, और स्प्रे से सब सेट कर लेंगे। ओके, ये मैक का है गोल्ड लाइट, गाइज
अभी हम लोग आईब्रोज को फिल करेंगे। आईब्रोज फिल करने के लिए मैंने अपना एनेस्थेशिया का डिपोमेड लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। मैंने फैशन फीवर का काजल लिया है, तो पहले काजल लगाएंगे और फिर हम लोग ऊपर उसको स्मच करके एक ब्राउन स्मोक किया करेंगे। थोड़ा स्मोक आउट भी करने वाले है ब्लैक काजल। मैंने लिया है ये 0045 ब्रश प्रो इफेक्ट्स का, और जो नीचे हमने ब्लैक काजल लगाया है ना, उसको जल्दी से स्मोक आउट कर रही हूँ मैं, ब्लेंड कर रही हूँ। अभी इसको ऐसे ही रखेंगे और इसको फिर ब्राउन से बाद में स्मोक आउट करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर वाला करेंगे, तो ऊपर भी मैं यही सेम काजल लगा रही हूँ। आपको बहुत नीट नहीं लगाना है, वैसे भी इसको स्मज ही करने वाले हम लोग। तो फैशन फीवर का है गाइस काजल, बहुत ही अच्छा है, सुपर स्मज होता है। इसको थोड़ा सा स्मज करते हुए ऊपर लेके जाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो नीचे एकदम डार्क है, बट ऊपर जाते हुए लाइट हुआ है वो। तो ये हो गया अपना स्मोकी आई का फेस। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस एक ब्राउन कलर लेना है, उसके ऊपर लगाना है, दैट्स इट। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, कौन सा ब्राउन कलर ले रही हूँ, मोका कलर लेते हैं, मोका कलर लेते हैं और इसके ऊपर प्लेस करते हैं। या परफेक्ट। क्या होता है ना, वाइट पे, ब्लैक पे ब्राउन स्मोकी आई बहुत अच्छा दिखता है। एंड एक्चुअली गाइस, आप जब भी पार्टी के लिए रेडी होते हो ना, तो मैंने इतने सारे मेकअप मैं करती हूँ, बट सबसे अच्छा अगर कुछ दिखता है तो वो है स्मोकी आईज विथ सम शिमर, दैट्स इट। स्मोकी आई में एकदम एक्सपर्ट होना ही है। और मैंने हुडेड आईज, हर आईज के लिए आपको बताया है कैसे आपको करना है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि कौन कौन अलग अलग आई शेप पे कैसे मेकअप करना है ये जानना चाहता है, ये मुझे जल्दी से बताओ। अगर आप लोग ये सीखना चाहते हो तो हम लोग नेक्स्ट वीक से ये वाला सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। सो मुझे बताना नीचे कॉमेंट सेक्शन में, ओके। बस थोड़ा सा हम लोग ब्लेंड कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। एक्चुअली अभी हो भी गया है आई मेकअप, बस हम लोग ये जो बेस है ना, थोड़ा सा और डार्क करने के लिए मैं ये चिप कलर ले रही हूँ, जो और डार्क ब्राउन है ना, और ये जो ब्लैक था ना यहाँ पे, उसको थोड़ा सा स्मज कर रही हूँ चिप कलर के साथ, ताकि क्या हो जाएगा कि आपका बेस एकदम डार्क लगेगा और ऊपर एकदम फेंट लगेगा, तो अच्छा दिखता है। तो नीचे मैं वापस वही मोका कलर ले रही हूँ, और ये जो नीचे किया है राइट, इसको थोड़ा सा हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। तो गया मैं ऐसे ही अभी, ये गाइस अभी आई मेकअप हो गया है, अभी हम लोग थोड़ा सा मस्कारा लगाएंगे। मैंने कर्ल कर लिए अपने आईलैशेस को, लिया है ये मैंने मॉर्फे का लिया है M213, और सेम हाइलाइटर जो मैंने यहाँ पे लगाया राइट आर्टिस्ट कोटर का, वही ले रही हूँ मैं और उसको ही यहाँ पे लगा रही हूँ। आईलैशेस हो गए गाइज, अभी हम लोग जल्दी से लिपस्टिक लगा लेते हैं। और लिपस्टिक के लिए मैंने ये शीन का लिया है, तो ये है फर्स्ट कॉफी शेड शीन का। एक्चुअली अभी शीन इंडिया में आ रहा है गाइज, तो अगर शीन इंडिया में आ गया तो फिर तो मेकअप एंड ऑल आप लोग वहां से खरीद सकते हो। बस थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि मैंने इंस्टा पे देखा कि शीन इंडिया में खुल रहा है। बहुत ज्यादा ही डार्क हो गया ना। एनीवेज हम लोग लिपस्टिक थोड़ा सा लाइट लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लिपस्टिक थोड़ा सा लाइट लेंगे, ये वाला लिपस्टिक ले रही हूँ मैं लाइट ब्राउन, और इसको अभी लगाएंगे। सो गाइज, ये जो लिप पैलेट है एनेस्थेशिया का है, बट ये अभी बंद हो गया है, बट आप लोगों को इंडिया में यूरोप गर्ल में, जस्ट गोल्ड में और शोपाल में मिल जाएगा। यूरोप गोल्ड का अफोर्डेबल है तो वो ले लेना, बहुत ही अच्छा है और सेम कलर्स है। गाइज, ये जो लिपस्टिक्स है ना, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, और सबसे बेस्ट ये है कि आप लोग इसमें ब्लश भी बना सकते हो, जैसे मैंने अभी बनाया था, बहुत सारे कलर्स बना सकते हो क्योंकि इसमें प्राइमरी कलर्स भी है। अभी हम लोग सिर्फ मेकअप फिक्सर से सेट कर लेंगे सब कुछ,
एंड देन इट्स ऑल डन। फिर जल्दी से जाते हैं और केक कट करना है मुझे। एरिया है ना विजिबल, वहां पे थोड़ा सा हम लोगों को काम करना है, तो मैं अपना फाउंडेशन, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, बहुत ही हल्का सा लेना है मॉइस्चराइजर, थोड़ा सा हल्का सा, और फिर ये जो आर्टिस्ट कॉचर का ये जो पाउडर हाइलाइटर है ये आपको इसमें मिक्स करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी पाउडर हाइलाइटर जो भी है वो थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा स्क्रैप कर लीजिए, ऐसे स्क्रैप करके इसमें मिक्स करना है आपको। सभी तीनों चीज़ों को आपको मिक्स करना है यहाँ पे। सो गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, और आज मेरा बर्थडे है। आज के दिन में आप सब को बहुत ही तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ, आपका लव, आपका सपोर्ट हर एक वीडियो पे जो आप मुझे प्यार देते हो, आप लोग जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे देते हो, तो हर एक चीज़ के लिए थैंक यू सो मच गाइज, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइज, एंड ऐसे ही मेरे साथ बने रहना। आप में से कौन कौन चाहता है कि मैं डिफरेंट आई शेप्स और डिफरेंट आई शेप्स पे कैसे मेकअप करना है ये सीखना चाहते हो अगर आप लोग, तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो से ये वाला सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं, तो प्लीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आप में से कोई भी मेरे मेकअप डिप्लोमा क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है जो जून 5th से स्टार्ट हो रहे, तो मुझे प्रतिभा सालिम ब्यूटी 27@gmail.com पे आपको ईमेल करना है, ठीक है। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। लवली, ऐसे सेलिब्रेट किया मैंने अपना बर्थडे, कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग क्या करते हो अपने बर्थडे पे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू।